हेलो फ्रेंड्स, आरसीएफ में आपका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज 9 और 10 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? NMITLI प्रोग्राम, ये CSIR का प्रोग्राम है जो कि ट्रायल्स लेगा किस चीज़ के लिए। NMABS ट्रायल्स हैं ये, और ये क्या करेगा, ट्रायल्स किस चीज़ के लिए गए, न्यूट्रलाइज कोविड 19 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, AIIB अप्रूव्स फॉर इंडिया। AIIB ने कितना पैसा इंडिया को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 मिलियन US डॉलर में, ये 500 मिलियन US डॉलर दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट डिलीवर्स टेस्टिंग किट्स फ्रॉम ICMR के द्वारा बनाई हुई टेस्टिंग किट्स को कौन डिलीवर करवाएगा, इंडियन पोस्ट डिलीवर करवाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, मिशन सागर क्या है? ये मिशन सागर है, इंडिया डिस्पैच किया है INS केसरी को ताकि ये मेडिकल असिस्टेंट मतलब मेडिकल के सामान को पहुंचाए, कहां तक, ये फूड आइटम्स को भी पहुंचाएगा उन कंट्रीज़ को जो कि सदर्न इंडियन ओशन में है। सदर्न इंडियन ओशन हमारे जस्ट सदर्न में कुछ आइलैंड्स नेशन हैं, उनके लिए हम भिजवा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भिजवा रही है कुछ सामान जिसमें कि मेडिकल असिस्टेंट और फूड आइटम्स होंगे। तो वो कंट्रीज़ कौन सी हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, इसमें मालदीव्स है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, कॉमरोस है और सीचेल्स है। तो इन कंट्रीज़ तक हमारी कंट्री फूड आइटम पहुंचाएगी और मेडिकल असिस्टेंस करवाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरफाइसी एक्ट में जोड़ा है, सरफाइसी एक्ट में बहुत चीज़ें जुड़ी हुई, जब NPA हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोन वापस नहीं आता तो सरफाइसी एक्ट काम में लिया जाता है। तो सरफाइसी एक्ट को जोड़ा गया है किस चीज़ में, इसमें जोड़ा गया है क्या, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इसके अंडर में लाया गया है, ठीक है। तो सरफाइसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को। सेकाटकर कमेटी, ये कमेटी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिफॉर्म लाने के लिए है कि मिलिट्री में कैसे रिफॉर्म करें और इम्प्रूव करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो इस तरह के वीडियोस आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए, आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।